हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम शुरू करने वाले हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपके डिमांड किए जाने वाले सबसे ज्यादा टॉपिक में से एक, जिसका नाम है डायबिटीज मेलिटस, उसके बेसिक इंट्रोडक्शन, टाइप और कॉज के बारे में। इससे पहले कि हम आपके टॉपिक को शुरू करें, मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। अगर आप इस डायबिटीज मेलिटस का जो नोट्स है पीडीएफ में फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, जिसको क्लिक करते ही आप वो पीडीएफ को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे नॉन स्पेसिफिक नोट्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में अलग अलग टॉपिक के, जो कि आपको सिलेबस से मैच कर भी रखते हैं, और इसके अलावा जो एमसीक्यूज वगैरह हैं और पावर पॉइंट है, इनका भी अगर आप पीडीएफ में नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो पूरे प्रोसीजर की जानकारी नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि हाउ टू डाउनलोड पीडीएफ नोट्स फ्रॉम सॉल्यूशन फार्मेसी फेसबुक ग्रुप। तो ये एक डायरेक्ट लिंक और ये एक डेमो वीडियो को आप क्लिक करके सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कोई भी हिडन टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना है इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में। तो जब तक हम इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में शुरू करेंगे जानकारी, लेकिन अगर हमारा जो बेस है कि किस प्रॉब्लम को, किस डिजीज या किस डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए इन इंसुलिन या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को हम यूज करते हैं, तब तक हमको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। हमने इसके पहले भी जो डायबिटीज है, इनके टाइप है, इसको एक वीडियो अपलोड किया है, लेकिन वो साधारण पीपल के लिए है, एक आम आदमी नागरिकों के लिए है। लेकिन अब जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं आज से, इस पार्ट का मुख्य रूप से उन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होगा जो कि मेडिकल फील्ड को बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायबिटीज मेलिटस की। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायबिटीज मेलिटस? इसको साधारण भाषा में कई जगह मधुमेह की बीमारी के नाम से जानते हैं, और आम लोगों की भाषा में इसे हम शुगर की बीमारी या शक्कर की बीमारी कहते हैं। क्या कारण है इसको शुगर की बीमारी, मधुमेह कहने के पीछे? जैसा कि इनका नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, बिल्कुल वही इनका कारण है। कहीं ना कहीं आपके ब्लड में शुगर की जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है ऑप्टिमम लेवल से। और हमने पहले ही कहा है कि फार्माकोलॉजी का प्रिंसिपल तीन लाइन पे बेस करता है, ऑप्टिमम, हाइपर और हाइपो। तो जब कभी भी कोई चीजें ऑप्टिमम लेवल से ऊपर पहुंचती है वो हाइपर कहलाता है। चूंकि यहां पर शुगर का लेवल ज्यादा हो रहा है, यहां पर शुगर की ब्लड में अवेलेबिलिटी ज्यादा हो रही है, इसको हम आगे देख सकते हैं, इसको कह सकते हैं हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशंस। ये चीजें भी आपको एक्सप्लेन कर रही हैं कि आपके ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा हो गया, इसीलिए इसे हम शुगर की बीमारी या मधुमेह कहते हैं। तो अब ऐसा सिचुएशन क्यों जनरेट हुआ, ऐसा क्या हुआ कि वो जो शुगर है वो आपके ब्लड में ज्यादा जमा होना शुरू हो रहा है? एक्चुअली ये कई सारे प्रोसेस इस पर डिपेंड करते हैं कि जो हमारे मेन हॉर्मोन्स हैं, जो कि आपके ब्लड में प्रेजेंट शुगर को मूव करा के आपके टिश्यू तक लेके आते हैं, ताकि ये टिश्यू आपके उस ग्लूकोज को एनर्जी के फॉर्म में यूज करें और उससे आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म हो सके। ये हार्मोन है हमारे इंसुलिन। तो किसी भी रीजन से या तो इंसुलिन बनाने वाले जो हमारे सेल्स हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएं, एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय हो जाएं, या तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो नॉर्मल की तुलना में कम हो जाए। तो इन दोनों कारणों से हम कह सकते हैं कि इंसुलिन, जो कि एक मुख्य रूप से कैरियर है आपकी ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में, वो कम होना शुरू होगा। तो ये एक मेन कारणों में से एक है कि आपके डायबिटीज का। यूं तो डायबिटीज के टाइप के अकॉर्डिंगली हम इनको इंसुलिन के कम, ज्यादा, बराबर या किसी और कारण से जोड़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो ये हो गई पहली बात। दूसरा, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो ऐसे इसके काफी सारे कारण हैं जो आप धीरे धीरे जानना शुरू करेंगे। उनमें मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं, जिसको हमने व्हाइट बोर्ड में इंक्लूड नहीं किया है, तो वो आपका जेनेटिक भी हो सकता है, खास करके टाइप 2, या आपके पैनक्रियास की जो सेल है उनमें किस तरह की एबनॉर्मैलिटी हो, या तो आपके पैनक्रियास को रिमूव करा दिया गया हो, या तो आप किसी और ड्रग के साइड इफेक्ट से परेशान हो गए हो, उसकी परेशानी या उसके इफेक्ट की वजह से आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है वो धीरे धीरे ज्यादा हो रहा हो। ऐसे कई सारे कारण हैं जो डायबिटीज को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इनके कॉमन सिम्टम की, कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर पर्सन डायबिटीज कंडीशन में है, तो उसके कुछ साधारण सिम्टम हम आपको बता रहे हैं। कि पहला, कि आपकी जो प्यास है, आपका जो थ्रस्ट है वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा अगर, तो वो ऑस्मोलिटी कॉज करेंगे, जो कि पानी की डिमांड करेंगे, तो वो आपको प्यास लगने लगेगा। आपकी भूख भी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, फ्लक्चुएबल है, लेकिन मोस्ट ऑफ केस बढ़ जाएगी आपकी भूख। पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, कॉमन सी बात है,
अगर आप थ्रस्ट आपका बढ़ रहा है तो आपके थ्रस्ट बढ़ने पे आप पानी ज्यादा पिएंगे तो डेफिनेटली आपका यूरिन का आउटपुट है वो भी कॉमन सी बात है ज्यादा बढ़ेगा, तो पॉलीयूरिया भी इसके सिम्टम्स हैं। दूसरा, अगर हम बात करें साधारण भाषा में एक पीपल कैसे पता चले, तो अगर ये केस बहुत थोड़ा सीवियर की ओर बढ़ता है, डायबिटीज थोड़ा थोड़ा और अगर बढ़ने लगते हैं, तो जहां भी आप यूरिनेट करेंगे वहां पे एक आपको अलग सी स्मेल आएगी, और अगर आसपास वो ओपन स्पेस में है तो वहां पे चींटियों का अटैक भी आप देख सकते हैं उस प्लेस पे जहां पे आपने यूरिन आउट पास किया है। ये कुछ साधारण सी भाषा में हम इसको समझ सकते हैं। वीकनेस लगना, कमजोरी फील करना, आपके किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में अगर छोटा सा भी घाव हो जाता है तो उस घाव का जल्दी रिकवर ना हो पाना, आपके लिम्स में गैंग्रीन का हो जाना, ये कुछ कॉमन सिम्टम है जो आपको ये इंडिकेट करते हैं कि आपके ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो ज्यादा हो रहा है। ये बड़ी एक दिक्कत की बात है कि आज के डेट में जो सबसे ज्यादा आपके लिए डेंजरस हो सकने वाले डिजीज या डिसऑर्डर है उनमें हाइपरटेंशन के साथ साथ ये डायबिटीज है। और दिक्कत की और बड़ी बात यह है कि इस डायबिटीज के साथ आज के डेट में मैक्सिमम लोगों को हाइपरटेंशन है। तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज आपकी बॉडी को पूरी तरह से वीक कर सकते हैं। आज का टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी, और बाकी जगह के लिए अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस टॉपिक पर जंप करना स्टार्ट करते हैं तो आप पाएंगे कि इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहने का मतलब है एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें आपकी बॉडी का जो मेन मैकेनिज्म में से एक है, दैट इज मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हमने फार्माकोलॉजी पढ़ा हुआ है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है जो कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म को एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि इनको आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर सके, प्रोसेस कर सके, यूटिलाइज कर सके। तो इस प्रोसेस में अगर किसी तरह की एबनॉर्मैलिटी देखने को मिलती है, दैट इज सिंपली नोन एज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और इसके कारण से जो प्रॉब्लम डेवलप होगा वो है हमारा डायबिटीज, और इसको हम फार्माकोलॉजी के लैंग्वेज में इजी समझ में आ जाए इसलिए हम कह सकते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, या उस पर्टिकुलर पेशेंट को हम कह सकते हैं हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट। ये जो वर्ड है हाइपरग्लाइसेमिया, इसका क्या मतलब होता है? साधारण से अगर हम भाषा में बात करें तो आप देख रहे हैं पहला वर्ड है हाइपर, और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा होना, ऑप्टिमम लेवल से ऊपर चले जाना, ये इसको डिनोट करने के लिए हम हाइपर वर्ड यूज करते हैं। और जो दूसरा वर्ड है ग्लाइसीमिया, तो ग्लाइसीमिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ग्लूकोज इन ब्लड। सो अगर हम सिंपल ग्लाइसेमिक कंडीशन बोलेंगे तो इट डिनोट्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड, लेकिन उसके पहले अगर हम हाइपर वर्ड ऐड करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में जो शुगर का लेवल होना चाहिए ये था नॉर्मल लेवल, उससे ऊपर पहुंच जाता है। तो ऐसे ही कंडीशन को हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। इस डायबिटीज मेलाइटस की वैल्यू क्या है? अब आप ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि उस पर्टिकुलर पर्सन को शुगर है कि नहीं है? यूं तो कई तरीके से हमने इसको चेक करने के मेजरमेंट बताए हैं। अगर आप ब्लड शुगर कैसे चेक करते हैं, ग्लूकोज स्ट्रिप कैसे यूज करते हैं ये जानना चाहेंगे तो इसका भी प्रैक्टिकल वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप यूरिन के सैंपल को यूज करते हुए ब्लड यूरिन शुगर में कितना आउटपुट हो रहा है ये जानना चाहते हैं तो इसका भी प्रैक्टिकल वीडियो आपको हमारे सोशल फार्मेसी के इसी चैनल पे प्रैक्टिकल के फॉर्म में मिल जाएगा। तो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ये सिम्टम फेस करता है, वीकनेस, लेथार्जी, आपके बॉडी में गैंग्रीन हो जाना, घाव का जल्दी रिकवर ना हो पाना, अनयूजुअल थ्रस्ट और हंगर, यूरिन आउटपुट, पॉलीयूरिया, ये चीजें अगर हम सिम्टम को फील कर रहे हैं या हमें अंदाज ऐसा लग रहा है तो हमको डेफिनेटली एक बार आपकी ब्लड की चेक करानी होगी। अगर आप कंटिन्यूअसली ब्लड का चेक कराते हैं, कंटिन्यूअस एक फ्रीक्वेंट इंटरवल में चेक कराते हैं तो आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। और भी कई सारे मेथडमेंट है जो आपको 3 महीने 4 महीने की एक एवरेज रिजल्ट देते हैं, वो भी आप यूज करके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यू होती है वो हम डिसाइड करते हैं दो कंडीशंस में। पहला, एक ऐसा कंडीशन जिसको हम फास्टिंग कहते हैं, यानी कि मॉर्निंग में बिना कोई खाए चीज, बिना कुछ खाए या बिना कोई शुगर के सप्लीमेंट्स को यूज किए, नॉट इवन अ टी, आप जब अपने ब्लड में ग्लूकोज का लेवल चेक करेंगे तो उसकी एक अलग वैल्यू डिसाइड की गई है, और खाना खाने के बाद की जो वैल्यू है वो अलग डिसाइड की गई है। लेकिन अगर हम बात करें एक स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल मेडिकल टर्मिनोलॉजी में तो दो कंडीशंस हम यूज करते हैं। पहला है फास्टिंग, इसमें जो आपके ब्लड का शुगर का लेवल होना चाहिए था वो होना चाहिए या तो उससे कम, वो है आपका 126 mg/dl। अगर हम यहां पे हाइपरग्लाइसेमिक केस में बारे में बात करते हैं तो वो कौन सा कंडीशन है जिस पे आप कह सकते हैं कि वो डायबिटीज है? तो अगर डायबिटीज की हम बात करें, यहां पे ध्यान दीजिएगा, डायबिटीज का लेवल कितना है उस पर्टिकुलर पर्सन में, तो या उस पर्टिकुलर पर्सन को 126 या तो इससे ज्यादा mg/dl का जो लेवल है शुगर का, ग्लूकोज का, उनके ब्लड में, तो हम उनको डायबिटिक कंडीशन में रख सकते हैं। दूसरा, अगर हम उस पर्टिकुलर पेशेंट को 2 घंटे के बाद अगर हमने उसको 75 ग्राम ओरल रूट से
ग्लूकोज दिया हुआ है, मीजर्ड अमाउंट में ग्लूकोज दे रहे हैं, और इस ग्लूकोज को देने के 2 घंटे बाद हम उनके ब्लड में प्रेजेंट शुगर का लेवल चेक करना चाहेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या तो इससे अधिक, जिसकी वैल्यू है 200 mg/dL। क्यों ऐसा, इसका पीछे का लॉजिक क्या है? अगर हम एक मीजर्ड अमाउंट में उनको ग्लूकोज देते हैं तो ग्लूकोज को हमारी बॉडी कितना टॉलरेट कर पाती है इसके बारे में स्टडी करते हैं। जब ग्लूकोज हम उसको ओरल रूट से देंगे और अल्टीमेटली वो आपके ब्लड में पहुंचेगा, तो उस ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज को आपकी बॉडी में प्रेजेंट इंसुलिन कितना यूटिलाइज कर पा रहा है और कितना रिमेनिंग रख रहा है, इसकी जानकारी आपको इस टेस्ट से मिल जाएगी। तो अगर आपका जो रेंज है वो इनके या इनके ऊपर पहुंचता है तो आप समझ सकते हैं कि आप अब डायबिटिक पेशेंट की ओर एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। ये कुछ उनकी वैल्यू हो गई। आज के वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम बात करने वाले हैं इनके टाइप के बारे में। अगर हम बात करते हैं कि डायबिटीज के कौन कौन से टाइप होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केस आपको काफी जगह केडी त्रिपाठी की अगर आप बात करेंगे रेफरेंस की, तो आपको 2 टाइप के डायबिटीज के बारे में जानकारी मिलेगी। ये 2 टाइप हैं, टाइप 1 और टाइप 2। लेकिन इनके अलावा 2 टाइप के और डायबिटीज हैं जिनको मुख्य रूप से ज्यादातर एक्सप्लेन नहीं किया जाता, तो हम यहां पर आपको 2 तरीकों को मिला करके समझा रहे हैं। हमने यहां पर यूज किए हैं 4 टाइप के डायबिटीज को। इन 4 टाइप के डायबिटीज का जो रेफरेंस है वो पद्मजा उदय कुमार है, जिनमें इनको एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले देखें कि कौन कौन से टाइप होते हैं डायबिटीज के। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। यहां पे ये क्वेश्चन बहुत सिली है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मुख्य रूप से 4 टाइप के डायबिटीज हैं, लेकिन इनके नाम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट या किसी अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीपैट के स्टैंडर्ड का ये नहीं होगा, लेकिन बाकी के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 का दूसरा नाम क्या है, टाइप 2 का दूसरा नाम क्या है, टाइप 3 एंड टाइप 4 का रेस्पेक्टिवली और अधिक क्या क्या नाम है, सिनोनिम्स क्या क्या है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टाइप 1 की, तो यहां पे याद रखिए कि टाइप 1 है अगर, तो इसका जो फॉर्मल नाम था, इसका जो पहले हम इसको बात करते थे, ज्यादा जानकारी इसके यूज करते थे, वो कहलाता था इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसके 2 नाम आपने देख लिए, पहला है टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, या इसी को हमने दूसरा नाम दिया है जिसको पहले इस नाम से जानते थे, वह है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस, इसको शॉर्ट में हमने DM लिखा हुआ है। इन 3 वर्डों का मतलब समझ लीजिए पहले, तब जाकर के आपका कॉन्सेप्ट जो है वो काफी क्लियर होने की ओर बढ़ेगा। टाइप 1 तो जस्ट इंडिकेट कर रहा है। इस टाइप 1 का जो दूसरा नाम था इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, इसका क्या मतलब है? साधारण सी भाषा में अगर हम बात करें तो इसको हमको ब्रेक करना है, इंसुलिन प्लस डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इंसुलिन एक आपका एंडोक्राइन हार्मोन है जो कि आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। सो इंसुलिन इज जस्ट अन हार्मोन। अगर हम बात करते हैं डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ अगर आप बात करेंगे डिपेंडेंट की, तो डिपेंडेंट का मतलब होता है उस पर निर्भर होना, किसी पर्टिकुलर काम के लिए किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस पे या एजेंट पे डिपेंड होना कहलाता है डिपेंडेंसी, या सिंपली शाब्दिक अर्थ की हम बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा कंडीशन जिसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन किस पे डिपेंड हो, इंसुलिन पे डिपेंड हो, तो एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को, एक पेशेंट को हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसका क्या मतलब हुआ कि अब उसके जो बॉडी के ऐसे सेल्स हैं जो कि आपके लिए इंसुलिन बनाने का काम करते हैं, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब जो चीज आपकी बॉडी के लिए इंसुलिन बना रहा है, अभी हम चीज के बारे में आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको रफ में मैंने बताया कि जो चीज हमने बॉडी यूज किया है, तो जो भी आपके सेल्स आपकी बॉडी के लिए इंसुलिन बना रहे हैं, अगर वही सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएं, वो काम करने लायक ना रहें, तो वो इंसुलिन कैसे बनाएंगे? और जब इंसुलिन ही नहीं रहेगा, तो इंसुलिन जिसका काम था कि आपके ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज के अपटेक को स्टार्ट करना, ताकि ये जो ग्लूकोज है वो आपके सेल्स तक पहुंचे और सेल इसको डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकें। तो एक प्रकार से इंसुलिन तो आपके ब्लड से ग्लूकोज को लेकर के जाने का काम कर रहा था, और इस इंसुलिन को बनाया किसने, एक पर्टिकुलर सेल जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास, ये बनाने का काम करते थे। तो जिसकी वजह से इंसुलिन बनता था, अगर यही डिस्ट्रॉय हो जाए तो इंसुलिन तो आपके बॉडी में 0 बनेगा, एब्सोल्यूट नॉट अवेलेबल के केस में आ जाएंगे आप, तब क्या करेंगे? अब वापस से आपको इंसुलिन की आवश्यकता होगी, लेकिन अब आप इंसुलिन बना नहीं पा रहे।
इसी कंडीशन से ओवरकम करने के लिए हमको इंसुलिन को बाहर से लेना पड़ेगा। इट मींस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी डाइट इस ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए आप किस पे डिपेंड किए, आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंसुलिन पे डिपेंड कर रहे हैं, दैट इज व्हाई यू आर डिपेंडेंट। और इसी कारण से इसको हम बोलते हैं आपका जो मेन नाम है इसका वह इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यह आपको समझ में आ गया होगा किसका नाम ये क्यों पड़ा। दूसरा है जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस। जुवेनाइल हम बात करते हैं ऐसे पर्टिकुलर बच्चों के लिए, पर्सन के लिए जो एडल्ट नहीं हुए हैं, एडल्ट जो एडोलेसेंस की एज है इससे कम उम्र में अगर इनको डायबिटीज देखने को मिलता है, ऑनसेट मतलब अकर होना है, तो इसकी कम उम्र में डायबिटीज देखने को मिलते हैं तो उनको हम कह सकते हैं जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस। अगर हम बात करते हैं इनके परसेंटेज की तो मोस्ट ऑफ द केस ये जो डायबिटीज का टाइप वन है वो बहुत कम केस में देखने को मिलता है, और खास करके आपके इंडिया में इसकी संभावना है, इसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो थोड़ी कम देखने को मिली है। तो कम केस में हमको डायबिटीज का केस देखने को मिलेगा तो वह टाइप वन। अब इससे जुड़ी हुई कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में से एक है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और इम्यून दिखा रहा है आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी इम्यूनिटी को। हमारा इम्यून सिस्टम कब काम करता है, कैसे काम करता है ये आप जान चुके हैं, एक शॉर्ट में बस बता देता हूं आपको। जब हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा एजेंट चाहे वो कुछ भी हो जो कि आपकी बॉडी में एंटर करने के बाद आपकी बॉडी का जो बॉडीगार्ड है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं इसकी एक्टिविटी को इनिशिएट कर दे, यानी कि किसी के आने से अगर हमारी एंटीबॉडी स्टार्ट होती है फंक्शन करना तो वो कहलाता है एंटीजन। तो ये जो हमारी बॉडी है इसी दो चीजों पर बेस्ड है, एंटीजन और एंटीबॉडी। ये आपकी बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए काम करते हैं, लेकिन इनके जो रिक्वायरमेंट था या ऑब्जेक्टिव था या सेटअप गोल था ये था कि कोई भी चीज जो बाहर से आ जाए उसको आप फाइट करो, उसको डिस्ट्रॉय करो। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी ही बॉडी को, खुद को या खुद की बॉडी किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को, पार्ट को, सेल्स को, आपकी बॉडी का पार्ट नहीं रिकॉग्नाइज कर पाती है। इनको लगता है कि वो किसी और बॉडी का पार्ट है, फॉरेन सब्सटेंस है, तो उसके अगेंस्ट में फाइट करने लग जाती है और यही कहलाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो हमारे एंटीबॉडी है वो आपकी बीटा सेल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये क्यों हुआ, इससे क्या होगा, बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करने के पीछे क्यों हुआ का कारण आपने देख लिया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इससे क्या होगा, इससे साफ साफ आप देख सकते हैं कि जो बीटा सेल रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन के बनाने के लिए, अगर किसी भी कारण से चाहे वो ऑटो इम्यून हो या फर्दर आपके आगे देखेंगे या कोई भी नोन अननोन रीजन हो जिनकी वजह से भी ऑब्जेक्टिव क्लियर है, जिनकी वजह से भी आपके बीटा सेल रप्चर होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे, तो अल्टीमेटली जो बीटा सेल का काम था इंसुलिन को बनाना वो अब नहीं बन पाएगा। और जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो इंसुलिन का जो काम था ग्लूकोज को लेकर के आना, अपटेक को रेगुलेट करना, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये पहले कॉज में से एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जैसे आप देख सकते हैं यहां पर साफ लिखा हुआ है देयर इज नो बीटा सेल एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जीरो। तो इन अगर यहां पे नो बीटा सेल रहेगा, डिस्ट्रॉय कर चुका है आपका इम्यून सिस्टम, सो देयर इज नो बीटा सेल, जो क्या रिजल्ट में दिखेगा, एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी। अब इंसुलिन की पूरी कमी हो जाएगी आपके बॉडी में, क्योंकि बनाने वाला तो वहां पे कोई है ही नहीं, इस इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। अब इसको अगर आपको ओवरकम करना है देन यू नीड एक्सटर्नल सोर्स, किसके लिए, इंसुलिन के लिए। चलिए आपसे ही हम एक बात कर लेते हैं, अगर आपके पास कोई चीजें सफिशिएंट मात्रा में हैं, सपोज आप राशन की बात कर लीजिए, तो आप उसको रेगुलरली यूज करते जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई इमरजेंसी में हैं, आपके पास वो चीज कम हो जाती है, तो आप जनरली क्या करते हैं, आप अपने अड़ोस पड़ोस से किसी से बोरो करते हैं, और जब आप वापस लेके आते हैं मार्केट से तो उनको रिटर्न करते हैं। लेकिन आपका काम रुके ना, इसके लिए आपको वो चीजें आवश्यक है। अगर हमारे बॉडी में बीटा सेल्स नहीं है, आप बीटा सेल्स ही नहीं है, तो इंसुलिन कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, इसीलिए हम इसको बाहर से इंसुलिन लेते हैं ताकि पूरी चीजें मेकअप होके चले, ऑप्टिमम होके चले। ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। तो जो टाइप 2 डायबिटीज है वो इसका कारण क्या है, या इसका दूसरा नाम क्या है, कैसे समझ सकते हैं इस चीज को, बिल्कुल एक जैसा ही है, थोड़ा बहुत अंतर है इनमें नाम का, नाम के हिसाब से इनका काम का भी अंतर जनरेट हो जाएगा।
पहला है इसका जो दूसरा नाम है वो तो आपको समझ में आ गया, पहला है टाइप 2, दूसरा है ये वर्ड अंडरलाइन करिएगा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। पहले वाले में आप देखिए इंसुलिन डिपेंडेंट था, दूसरे वाले में आप इंसुलिन डिपेंडेंट के पहले एक वर्ड बड़ा सा लग गया, दैट इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, यानी कि एक ऐसा टाइप ऑफ डायबिटीज जिसमें आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ रहा है, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप उसको कम करने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए जो इंसुलिन की आवश्यकता है, इस इंसुलिन को पूरा करने के लिए आप इंसुलिन को बाहर से नहीं लेंगे, दैट इज कॉल्ड यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंसुलिन। हाँ, ये बात सच है कि आपकी बॉडी कुछ हद तक इंसुलिन नहीं बना पा रही है, लेकिन उसके ना बनाने की वजह कुछ और भी हो सकती है, इसको हम लोग देखने वाले हैं, पर उसको हम ड्रग्स लेकर के, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग लेकर के, मेडिसिन लेकर के इसको बैलेंस कर सकते हैं, हमको बाहर से इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इट मींस वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल इंसुलिन, दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज अ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। दूसरा जो इसका नाम आप देख सकते हैं वह है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस। पहले वाले में आपने देखा जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस और यह मैच्योरिटी ऑनसेट जुवेनाइल मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन दिस टू, दो चीजें तो सेम है, ऑनसेट और डायबिटीज मेलिटस। जुवेनाइल का मतलब होता है नॉन एडल्ट, जबकि मैच्योरिटी मतलब होता है जो पर्टिकुलर पर्सन मैच्योर हो जाए, एडल्ट हो जाए, इस एज में आ जाए, तो उसके कारण से उस एज में जब शुरू हो गया कोई डायबिटीज, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस। इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख लीजिए यहां पर क्या क्या सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। नो और ओनली मॉडरेट रिडक्शन इन बीटा सेल मास, यहां पे या तो बीटा सेल के मास में यानी कि नंबर में, बीटा सेल के नंबर में या तो कमी नहीं आएगी, याद रखिए कमी नहीं आएगी, या तो कुछ हद तक ही कमी आएगी, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होगा। यहां पे देखिए एब्सोल्यूट डिस्ट्रॉय हो रहा था, यहां पे या तो थोड़ा या तो बिल्कुल नहीं के बराबर आपका जो बीटा सेल है उनकी कमी आएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से बीटा सेल की संख्या कम हो गई, तो जो एक एग्जांपल की अगर हम बात करें 100 बीटा सेल थे तो 100 इंसुलिन बन रहे थे, अब अगर 100 बीटा सेल नहीं है कम से कम 80 बीटा सेल है तो 80 इंसुलिन बनेंगे, लेकिन आपके में अभी 80 इंसुलिन बन रहे हैं बावजूद उसके 20 इंसुलिन तो कम ही है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं काउंटिंग वर्ड यूज कर रहा हूं। तो ये चीजें हम आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमको समझना है वो है अबाउट 90% जो पॉपुलेशन है वो इसी टाइप के डायबिटीज पे डिपेंड है या इसी टाइप के डायबिटीज से परेशान है, बाकी जो 10% होंगे वो मिक्सचर हैं, द फर्स्ट वन और नेक्स्ट वन, इनमें कहां से देखा जा सकता है, और इसका जो मेन कारण है वो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से काफी हद तक ये हेरिडिटरी या जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो वो आपको भी हो सकता है, खास करके टाइप 2 के केस में। दूसरा इंसुलिन इन सर्कुलेशन, अब देखिए अब इंसुलिन की वगैरह बातें हो रही हैं, तो इस केस में इंसुलिन का लेवल कितना होगा, आपके जो ब्लड के सर्कुलेशन है इसमें इंसुलिन कितना होगा, ये क्या कहता है, या तो लो होगा जैसे मैंने कहा कि मॉडरेट कम हो सकता है, या तो नॉर्मल होगा, या तो ज्यादा भी हो सकता है, यहां पे देखिए कंफ्यूजिंग, या तो हाई भी हो सकता है, इसका क्या मतलब हुआ, दो चीजें साफ साफ समझनी है हमको, इस केस में डायबिटीज के टाइप 2 में दो चीजें आपको एकदम साफ याद रखनी है, पहली चीज कि इसमें आपके जो बीटा सेल है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं, दूसरी चीज या तो बीटा सेल के द्वारा जो इंसुलिन सीक्रेट किया जा रहा है या तो कम है या तो बराबर है जितना होना चाहिए था, इवन जितना था जितना है जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा भी ये सीक्रेट कर रहे हैं, तो फिर क्यों, यहां तो समझ में आ गया लो है तो हो जाएगा, बाकी की चीजों में क्या है, अगर लो है, ध्यान सुनिएगा, अगर लो है तो डायरेक्टली ये एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर इंसुलिन कम है, क्योंकि इंसुलिन बनाने वाला बीटा सेल कम है, तो इंसुलिन अगर कम है तो डायबिटीज की संभावना बढ़ेगी, लेकिन अगर इंसुलिन नॉर्मल है तो क्यों नॉर्मल है, तो कारण क्या होगा कि इस इंसुलिन को जो एक्सेप्ट करने वाले रिसेप्टर हैं, इंसुलिन रिसेप्टर हैं, इनकी संख्या में कमी आ गई होगी, तो नॉर्मल होने के बावजूद उनको यूज नहीं किया जा पा रहा है, यूज करने लायक कंडीशंस में नहीं, क्योंकि उनको फिट होना जरूरी है। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर हाई भी है, अगर ज्यादा मात्रा में भी है तो भी उस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इंसुलिन ज्यादा मात्रा में तो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, कारण क्योंकि जिस इंसुलिन को आगे जा करके आपके रिसेप्टर पे बाइंड होना था उस रिसेप्टर में अब डाउन रेगुलेशन हो गया है, डाउन रेगुलेशन हो गया है इसका मतलब है कि वो रिसेप्टर की संख्या अब कम हो गई है जो कि इंसुलिन को बाइंड करने में आपकी मदद करता था। ये कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, चलिए मैं आपको इसको एक प्रैक्टिकल डेमो से समझाने का प्रयास करता हूं कि ये जो पॉइंट है ये एक्चुअल में कहना क्या चाहता है, आइए उसको एक लाइव सिंपल से डेमो से समझने का प्रयास करते हैं।
चलिए इस बात को आप समझते हैं कि अगर इंसुलिन बराबर भी है, अगर इंसुलिन ज्यादा भी है तो क्यों हमको डायबिटीज हो रहा है, व्हाट इज द रीजन, व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है। सिंपल समझाने के लिए मैंने आपको फिर से वापस से हमेशा की तरह फार्माकोलॉजी का सबसे सिंपल येट इंपॉर्टेंट मॉडल बता रहा हूं आपको, लॉक और की, जिसे हम रिसेप्टर मॉडल भी कह सकते हैं। सपोज ये जो लॉक लगा हुआ है वो एक दरवाजा है, दरवाजे में लॉक लगा हुआ है और आप ब्लड है, आपकी तरफ जो इस तरफ है वो ब्लड है और इस ब्लड में आपका ग्लूकोज प्रेजेंट है और इसके पीछे की तरफ का जो सेल है जहां पे आपकी ग्लूकोज को मूव करके जाना था, क्योंकि इन दोनों के बीच में आपका दरवाजा है और जब तक दरवाजा खुलेगा नहीं तब तक यहां से कोई भी चीज उस तरफ मूव नहीं कर सकती। तो ये है हमारा इंसुलिन का रिसेप्टर और इस इंसुलिन के रिसेप्टर की चाबी है इंसुलिन, क्योंकि जिस रिसेप्टर पे हम बात करते हैं वो दोनों के लिए बात करनी जरूरी है। तो अगर ये इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में है तो ये इंसुलिन अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे जाएंगे, उनकी जगह को ऑक्यूपाई करेंगे और इसके ऑक्यूपाई करने की वजह से ये आप देखिए लॉक खुल गया। जब ये लॉक खुलेगा तो आप दरवाजा खोलेंगे, जब दरवाजा खुलेगा तो आपके ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज आसानी से मूव करके आपके सेल की ओर मूव करेंगे। ये तो बात हो गई नॉर्मल लेवल की, जब तक हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल नॉर्मल होता है तब तक ये चीजें होती रहती हैं, आपकी जो ग्लूकोज है वो आपके इंसुलिन की मदद से आपके बॉडी के ब्लड से मूव करते हुए सेल तक पहुंचते रहते हैं। ये हो गई नॉर्मल की बात। अब हम यहां पे कह रहे हैं कि अगर ये बराबर भी है और अगर आपका इवन इंसुलिन ज्यादा भी है तब क्यों ऐसा डायबिटीज का जो प्रॉब्लम है टाइप 2 का वो क्यों है, इसको भी समझ लेते हैं। वापस से इसको मैं अगर लॉक करता हूं और आप देखिए कि यहां पे इंसुलिन है, ये इंसुलिन है, ये चाबी अगर इंसुलिन समझे तो ये वापस भी है, इवन ऐसे कई पेयर्स में सेम इसकी चाबी डुप्लीकेट मैंने बना के रखी है, उसके बावजूद इंसुलिन की कमी क्यों महसूस हो रही है या इसके बावजूद भी हमें ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड से मूव करके क्यों नहीं जा पा रहा है, सिंपल तरीके से समझ सकते हैं चीज को। ये एक पॉइंट है जिसपे आपका इंसुलिन रिसेप्टर जाकर के बाइंड होगा, दिस इज इंसुलिन रिसेप्टर, दिस इज इंसुलिन, जब ये बाइंड होगा तब ग्लूकोज मूव करेगा। कारण यह है कि कई सारे कारणों में से एक जो आपकी ओबेसिटी है या जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है वो इस इंसुलिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं या डाउन रेगुलेशन भी हो सकता है, दोनों चीजें समझ लेते हैं। अगर इसको ब्लॉक करते हैं इसका मतलब क्या होगा, अगर इसको ब्लॉक करेंगे इसका मतलब ये जो कैविटी आप देख रहे हैं जिसमें हमारा इंसुलिन जाकर के बाइंड होगा, दिस इज बाइंडिंग साइट, इसके ऊपर अगर मैं कोई मोम लगा दूं, कोई वैक्स लगा दूं, कोई फैट से इसको ब्लॉक कर दूं, कोई सीमेंट से इसको ब्लॉक कर दूं, तो चाबी होते हुए भी चाबी इस पे इसकी जगह पे ऑक्यूपाई नहीं हो पाएगी, इसमें जगह को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो चाबी यानी कि इंसुलिन होते हुए भी आपका इंसुलिन रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा और उसके बावजूद उसके कारण आपका जो ग्लूकोज है वो मूव नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया आपका एक ऐसा केस जिसमें इंसुलिन बराबर भी है, ज्यादा भी है तो भी नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ रिसेप्टर या सेंसिटिविटी कम होने की वजह से। दूसरा जो कारण होता है वो होता है आपका डाउन रेगुलेशन। डाउन रेगुलेशन मतलब ये आपके इंसुलिन रिसेप्टर हैं, बराबर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कई सारे इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं जो आपके इंसुलिन को मदद करते हैं बाइंड होने में, उसके बाद ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होने में। लेकिन अगर किसी कारण से ये जो इंसुलिन रिसेप्टर की संख्या कम होती जाएगी, ये गायब होते जाएंगे, तो फिर इंसुलिन को बाइंड होने की जगह कहां से मिलेगी आपको, और जब इंसुलिन अपने जगह पे बाइंड नहीं होगा तो फिर कैसे हमारा ग्लूकोज ब्लड से मूव करके आपके शरीर तक पहुंच पाएगा और कैसे हमारा शरीर इसको यूज कर पाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जिसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए ये लॉक और की को कॉन्सेप्ट को यूज किया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले फर्दर पॉइंट्स पे। हमारा जो अगला टाइप का डायबिटीज है वो है टाइप 3। इस टाइप 3 को हम बोल सकते हैं सेकेंडरी डायबिटीज, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। सेकेंडरी डायबिटीज का क्या मतलब होता है, प्राइमरी मतलब होता है पहली, जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से, जबकि सेकेंडरी मतलब होता है कुछ और ऐसे कारण जो कि इस तरह से अनजाने में ले लिए गए हों या कुछ जानबूझ करके हो गए हों, जो आपके बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी को उल्टा हम कह सकते हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंसुलिन के रेगुलेशन को, इंसुलिन के बनने को, इंसुलिन के बनाने वाले जो सेल्स हैं इनको कम करने का काम करता हो, तो ये कहलाते हैं आपके सेकेंडरी टाइप ऑफ डायबिटीज। इसके कारण क्या क्या हैं, ड्यू टू पैंक्रियाटॉमी यानी कि सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू आपके पैंक्रियास को रिमूव कर दिया गया हो आपकी बॉडी से। अब आप ही तो समझ चुके हैं कि अगर पैंक्रियास को हम रिमूव कर देते हैं ड्यू टू एनी रीजन, वो पैंक्रियास जो कि आपके लिए बीटा सेल्स के थ्रू इंसुलिन बनाने का काम करता था, जब वही नहीं रहेगा तो डेफिनेटली इंसुलिन की कमी तो होगी, और इंसुलिन कमी होगी तो धीरे धीरे आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा और उसके बाद वो डायबिटीज बन जाएगा। तो एक ऐसा टाइप ऑफ डायबिटीज जिसका कारण आपका जेनेटिक नहीं है, ना ही कुछ और अदर फैक्टर है, उसका कारण यह है आपका पैंक्रियास का रिमूव कर दिया जाना किसी भी पर्टिकुलरली प्रोसेस के थ्रू या रीजन की वजह से।
दूसरा है कुछ ड्रग ऐसे हैं, फेनिटोइन वगैरह ड्रग ऐसे हैं या कुछ और भी ड्रग ऐसे हैं जो कि डायबिटीज कॉज कर सकते हैं। जैसे हम अगर बात करेंगे प्रैक्टिकल सेक्शन में तो कुछ ड्रग को हम यूज करते हैं डायबिटीज को कॉज कराने के लिए एक्सपेरिमेंटल एनिमल में। उसके बाद जो एंटी डायबिटिक ड्रग है या आपके जो फर्बल फॉर्मुलेशन है इनको टेस्ट करके हम देखते हैं कि क्या वो ड्रग आपके उस डायबिटीज को कम करने का काम करता है कि नहीं करता है? तो ये ड्रग की वजह से हो गया। दूसरा है अदर डिजीज, और भी कई सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो कि अल्टीमेटली आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम करते हैं। जो आपके कंडीशंस हैं जैसे अदर हार्मोन्स हैं वो भी इंसुलिन की जो एक्टिविटी है उनको सप्रेस करने का काम करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीजें, कोई भी ऐसा ड्रग, कोई भी ऐसा सिचुएशन जो कि इंसुलिन के उनके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे या तो बाइंड होने ना दे या तो इंसुलिन के बनने के प्रोसेस को कम कर दे वो डिपेंड कर सकता है। तो ये आपके जो आपके नेक्स्ट टाइप है टाइप 3 या सेकेंडरी डायबिटीज इनके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, तो यह है टाइप 4 डायबिटीज। टाइप 4 डायबिटीज को हम यूं कह सकते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज कहने का मतलब है एक ऐसा टाइप ऑफ डायबिटीज जो कि किसी वुमेन को तब होगी जब वो प्रेगनेंसी के केस में है। इसे तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं प्रेगनेंसी के कारण से, खास करके जो आप एक मेंशन करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। वह 20-24 वीक्स के अराउंड जब प्रेगनेंसी के जो वीक है इस समय अगर डायबिटीज जनरेट होता है तो इस तरह के डायबिटीज को हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। इसके पीछे का कारण क्या है, 20-24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में आप पाएंगे कि जो प्लेसेंटल हार्मोन है जिसके बारे में हमने बात किया था, आपका प्रोजेस्टेरोन वगैरह है, ये जो आपके प्लेसेंटल हार्मोन है वो कुछ ऐसे कंडीशंस कॉज करते हैं जिनकी वजह से वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं इंसुलिन के लिए आपकी बॉडी। तो इसकी वजह से जब इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो जाएंगे तो इंसुलिन प्रॉपर आपके बाइंडिंग साइट पे बाइंड नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से जो ग्लूकोज का लेवल है धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज गेस्टेशनल डायबिटीज। इसी के साथ साथ आगे अगर हम बात करते हैं तो कुछ आप पाएंगे कॉम्प्लिकेशन भी जनरेट होंगे। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, यानी कि अगर कंटिन्यूअसली लंबे समय तक कोई पर्टिकुलर पर्सन डायबिटीज के केस में है तो उसको आपकी बॉडी रिकॉग्नाइज करेगी प्रॉब्लम के केस में, और उसके लिए अलग अलग और जो कंडीशन जरूरत होंगे वो भी वर्सटाइल होना शुरू हो जाएंगे। क्या क्या होंगे, प्रीमेच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस या एथेरोमा बनना शुरू हो जाएगा, आपके ब्लड वेसल्स में जो फैट है आपके बैड कोलेस्ट्रॉल हैं वो धीरे धीरे जमा होने लगेंगे। तो जमा होने वाले सब्सटेंस को हम एथेरोमा और इस जमा होने के प्रोसेस को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप सर्च करके पा सकते हैं। दूसरा सकता है रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी कहने का मतलब है कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पे आपके ब्लड के सप्लाई ना हो पाने की वजह से या कुछ और रीजन की वजह से रेटिना का जो आंख के पीछे का जो पर्टिकुलर पार्ट है जो विजन रिस्पॉन्सिबल है इसके फंक्शन में एबनॉर्मैलिटी आ जाए, ब्लर्ड विजन आपको देखने को मिले, ये आपका रेटिनोपैथी कहलाते हैं। ये डायबिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लिए मेजर प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, आपकी विजन तक की लॉस हो सकती है इस डायबिटीज के कारण से। तो ये एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट कह लीजिए या एक प्रॉब्लम कह लीजिए जो कि आपको याद रखना होगा। डायबिटीज के पेशेंट की आंखों की रोशनी तक जा सकती है अगर लंबे समय तक वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो। तो ये हो गया रेटिनोपैथी। वैसे ही है नेफ्रोपैथी कि आपके उस पर्टिकुलर सेल्स में जिसके सेल में बात कर रहे हैं वो किडनी का सेल है, दैट्स व्हाई यूज्ड एज अ नेफ्रॉन और नेफ्रोपैथी। तो उस नेफ्रॉन के फंक्शन में भी एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी क्योंकि आप तक उस पर्टिकुलर पार्ट तक ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो रही है आपके डायबिटीज की वजह से, वो जो सेल है वो थिक हो गए हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। आगे हम बात करते हैं तो वह गैंग्रीन ऑफ लिम्ब्स। गैंग्रीन का मतलब आप जानते हैं किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में अगर हमारी ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है तो वो पार्ट धीरे धीरे डेथ होने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड गैंग्रीन। और डायबिटीज के केस में तो बहुत ज्यादा होता है, आपके ये जो थाइस वाले पार्ट है, आपके घुटने वाले पार्ट है, कोहनी वाले पार्ट है, इनमें गैंग्रीन होने लग जाते हैं और ये कोई भी घाव हो चाहे वो गैंग्रीन हो वो जल्दी रिकवर नहीं होते हैं। इनके पीछे का कारण क्या है, तो ये है मेन रीजन कि गैंग्रीन जो होते हैं वो कारण है, दीज आर ड्यू टू, ये याद रखिएगा, दीज आर ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू बिकॉज ऑफ थिकनेस ऑफ कैपिलरी वॉल। उस पर्टिकुलर पार्ट तक ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो रही है क्योंकि वहां पे कैपिलरी वॉल हमारा थिक हो गया है और इसके थिक होने की वजह से क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइसरिलेटेड जो प्रोडक्ट है वहां पे डिपोजिट होना शुरू हो जाते हैं। इनकी वजह से जो हमारा कैपिलरी है वो थिक हो जाता है और वहां तक हमारी ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाती और वो कन्वर्ट होता है आपके गैंग्रीन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई हमारे डायबिटीज के केस के लिए, डायबिटीज की बेसिक चीजें आपको समझाने का प्रयास किया था। इसी वीडियो के लास्ट में आपको कॉजेस हमका एक पावर पॉइंट शॉर्ट दे रहे हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि डायबिटीज की खास करके टाइप 2 के डायबिटीज के कॉज क्या क्या हैं, वो हमने ऑलरेडी आपको चैनल में अपलोड किया हुआ है पिछले बार। तो आपको आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
काफी कुछ जानकारी मिलेगी। आप दिए गए हर एक लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, अगर आप सीरियसली इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो। आज का जो रेफरेंस है वो मुख्य रूप से आपका पद्मजा उदय कुमार है और सप्लीमेंट्री तरीके से हमने केडी त्रिपाठी के लेटेस्ट एडिशन को यूज किए हैं। इनमें काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमने पॉइंट वाइज यूज किया हुआ है, सो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। इफ यू वांट, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एट द लास्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको जो हमारा एफर्ट है फॉर द फार्मेसी प्रोफेशन एज वेल एज फार्मेसी स्टूडेंट वो कैसा लग रहा है, क्योंकि हमारा मोटिव बहुत क्लियर है, वी बिलीव इन शेयरिंग नॉट इन सेलिंग। तो हमारे लिए हमारा सेटिस्फेक्शन, हमारा मोनेटाइजेशन आपका सेटिस्फेक्शन है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट में अपना जो फीडबैक है वो जरूर देंगे। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।